हेलो एमिगोस। तो आज हम सब जा रहे हैं सेंट मैरीज मैच के लिए। सुबह के क्या टाइम बज रहे हैं? सुबह के 7 बज चुके हैं, 7:30। सुबह 7:30 बजे। ये वाज और आप देख सकते वाज हैं नजर आ रहे, कैमरा नजर आ रहे, वाज बिल्कुल वाज सोया सोया में इधर अगर आप ये सब अली लोग सोया देखे, है, ये अली अरशद सोया में। अनमन बंदा एक से भाई, ज्यादा मैं सही कैमरा पकड़ लूँ सर। और साथ ही साथ ओ फुरकान फुरकान सोया हुआ है, और बहुत ही ओ बुरी भाई हालत सोया है। हुआ है, ये सनान सोया हुआ है, ये सब सब सोए हुए हैं। और अभी हम थोड़ी देर तक मैच के लिए निकलेंगे, तो इंशाल्लाह सारे शॉट्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मैं पूरी रात का नहीं सोया हुआ, आंखों से अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जिब्रान पुशअप्स की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून और जी लॉक का स्टार्ट करते हैं। सो एमिगोस, क्या सुबह का नाश्ता? 7:30 बज रहे, 7:30 तकरीबन बज रहे हैं, और हम लोग और रोड के ऊपर शायद सुनते हो 2 डिग्री हो रही है, तकरीबन 2 डिग्री। और आज के तो खता हुए हैं, हम सब के खता हम लोग। धारवाड़ एक घंटा सोया, लेकिन आज तो बिल्कुल सोया ही मैं नहीं। भी नहीं सोया भाई, मैं भी नहीं सोया। मैं सोया, और मेरी आंखें पर भी लाल है, जिब्रान की आंखें पर भी लाल है। और ऐसे कि हमें ये चार दरअसल घंटे ये दरअसल जी लॉग जो आज के स्पेशली जिब्रान के लिए सूट हो रहा है, कि स्पेशली जिब्रान के लिए हमने आज मैच अरेंज किया, कि जिब्रान कुछ दिनों बाद हमें छोड़ के दूर चला जाएगा। तो फेयरवेल फेयरवेल मैच, फेयरवेल वीडियो होगी जिब्रान की मेरे चैनल पे, जिब्रान के रिंग पे। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आता रहेगा, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आता ही रहेगा। तो अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं, फिर नाश्ता लेके आते हैं, तो फिर मिलते हैं। तो नाश्ता ले आ ला लेके आ चुके हैं, लेकिन कोई उठा नहीं है। तो हमने दोनों सब कुछ ख़त्म कर दिए तकरीबन। जिब्रान तो पीछे हो गए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वाज और मैं चला कोथरा में लगे, मैं वाज को छोड़ देंगे वीडियो के लिए। चौथा चौथा वो रोग नहीं है, पराठा है, चौथा पराठा है ना यार, कोई दो पराठे और एक रोटी हो चुकी है। फिर भी स्टिल गोइंग ऑन। लगा ना लगाना कमेंट सेक्शन में बताना कि इस छोले की जो टेस्ट है कितना ज्यादा हो सकता है बेहतरीन। तो अभी मैच, लेकिन हमें तो दूर से लेने गए, तो आप एक खाया छोले किस तरह थे? बेहतरीन बेहतरीन छोले, अच्छे थे, मजे के थे, छोले मजे के थे। और बस अब नाश्ता भी हो गया, मैं तो रोजाना ही खाता हूँ, सब कुछ हो गया, बस अब मैच का इंतजार है और इनकी उठने का इंतजार है। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये लोग सफू ब्यूटी सो के फाइनली सब उठ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पीछे ही क्रिकेट प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस ये वार साहब बॉलिंग करा रहे हैं, और ये शॉट लगी जिब्रान फील्डिंग पे है, जिब्रान ने कैच ड्रॉप कर दी। ये अभी मैच से पहले मैच प्रैक्टिस हो रही है, कि हम किधर जा रहे हैं, सबको आइडिया है ना? यस, किधर? सेंट मैरी, सेंट मैरी जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। तो मिलते हैं सेंट मैरी में इंशाल्लाह, बिल्कुल सेंट मैरीज ही मिलेंगे। आप लोग सारा व्यू देखेंगे, वन बाय वन ग्राउंड दिखाओ यार, ग्राउंड दिखाओ, स्कूल दिखाओ। वी आर फाइनली इन दिस माय स्कूल, जहाँ मैंने अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। वन बाय वन मैं आपको सारी अपनी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सॉरी कहता हूँ स्कूल के बारे में बताऊंगा। ये ग्राउंड होता था, ये बास्केटबॉल एरिया आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये सारा बास्केटबॉल एरिया है, वो ही बास्केटबॉल एरिया। ये स्टैंड काफ़ी अर्से बाद मैंने यहाँ पे, मेरा जो भाई है अभी हम वीडियो बना रहे, उसको भी यादें ताज़ा हो रही होंगी, यहाँ पे टेबल टेनिस का सीन होता था। अभी आई थिंक जिम विम बना दिया टाइम पास के लिए उन्होंने, और बाकी ग्राउंड तो खाली चेक करें ना यार, ग्राउंड चेक करें, ग्राउंड बेहतरीन। यहाँ पे आज हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, खूब मजेदार। थोड़ा आगे चलते हैं, ये सफान तो सफान को तो आप लोग पहचानते ही होंगे सब। तो सफान ने भी थोड़ी देर, हम जल्दी आ गए ताकि हम वीडियो बना सकें कम से कम। सो ठंड पड़ रही, हमने कहा थोड़ा लेट आएंगे कि यार थोड़ा मौसम धूप आ जाए, धूप आ जाए। अब ग्रास यहाँ पे काफ़ी बड़ी हुई है, मैं काफ़ी एक साल बाद तकरीबन आया हूँ यहाँ पे। तो अभी अंदर का लुक नहीं दिखाते, कि पहले मैं इसकी इजाज़त लेता हूँ कि यार मैं वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर हुआ तो इंशाल्लाह आपको वन बाय वन बताऊँगा कि यार मैंने कौन कौन सी क्लास में बैठ के पढ़ा हुआ और इन्जॉय किया अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। ये सब आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे दरअसल हमारी क्लास 4 के बाद 4 to मैट्रिक तक यहाँ पे हमारी असेंबली होती थी। यहाँ सुबह प्रिंसिपल आता था, आई थिंक वीक लेट तक होती थी, ये जगह पे सारे क्लासेस लाइन से खड़ी होती थी। ये पीछे प्रिंसिपल का रूम है, जहाँ पे हम आज तक कभी इतनी तेज़ नहीं बोल सके, लेकिन आज जबकि हम क्रिकेट खेलने आए हैं स्टडी के लिए, स्कूलिंग उसमें नहीं आए डेज में, तो यहाँ पे हम बना के वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपको यही बताएंगे कि प्रेप 2-3 तक हम कहाँ असेंबली करते थे, वो पीछे में वो बड़ी खामोशी वाली जगह, बहुत खामोशी वाली जगह है,
वन बाय वन सारा बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था ये, नोटिस बोर्ड यहाँ पे हर किस्म का रखता था। और अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ, तो पीछे की तरफ आप लोगों को दिखाते हैं। हर तरफ से लोग आ जाते थे, बहुत चीफ गेस्ट आया था। एक सबसे ज्यादा खुशी की बात ये होती थी कि यार अगले दिन छुट्टी होती थी, चीफ गेस्ट एक छुट्टी लेता था। अब चलते हैं आगे थोड़ा स्पीड में, इससे पहले कि हमारा मैच शुरू हो जाए। बाकी गेट मैट्रिक तक वहाँ से हम निकले छुट्टी के टाइम, आए भी गए। तो ये अब बहुत जबरदस्त खूबसूरत खामोशी वाली जगह मैं आप सबको लेके जा रहा हूँ। पीछे वासिक वासिक कहता हूँ, सफान पीछे चल रहा है, ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे। तो लेट्स गो। अच्छा वो तो मेन ग्राउंड था ये, पहले इसको छोटा ग्राउंड कहते थे, लेकिन इसको छोटा ग्राउंड नहीं कहते, अब इसको पार्किंग बना लिया जहाँ टीचर्स अपनी ये छोटी कैंटीन होती थी। यहाँ पे बड़ी कैंटीन है, वो सर वो आपको बताएंगे। वहाँ पे बड़ी जबरदस्त स्लाइड्स भी हैं, सब कुछ है, बच्चों के लिए भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा अगर आप लोग देखें वहाँ पे कॉर्नर में मेरी पहली क्लास थी, पहली मैंने प्रेप ग्रीन में पढ़ा था, तो वो मेरी प्रेप ग्रीन में थी, वो पहली क्लास थी, बिल्कुल कॉर्नर में। और ये सारा एरिया इन्होंने बनाया हुआ था उसके लिए, पहले तो बच्चे खेले थे, बच्चे अभी भी खेलते होंगे, लेकिन टीचर्स पासिंग करते, सामने प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पे हम मैंने पहली क्लास ली थी, अब दूसरी क्लास की तरफ चढ़ते हैं। ये भी यहाँ पे छोटी मोटी क्लासेस हैं, ऐसी कॉरिडोर बनाओ, यहाँ से हम पानी वानी पीते थे, जबरदस्त सी ठंडा या पानी का फिल्टर विल्टर लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए, अभी तो और जल्दी सा मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। अच्छा अब आप ये लोग देखेंगे, पहले वन पर्पल होती थी और अभी क्या है, फोर ग्रीन हो गई है। वन पर्पल थी, फोर ग्रीन, ये मेरी दूसरी क्लास थी, और यहाँ पे हमें एक टीचर ने पढ़ाया था, मैं क्या नाम लूंगा, वो वाइफ पता नहीं किस दुनिया में होगी अभी। उसके बाद ये क्लास थी टू, तब टू ग्रीन थी और अभी नाम चेंज है, इन्होंने पता नहीं क्यों चेंजेस, डोरेमोन, ये आप लोग का डोरेमोन बच्चे से हैं सबके। यहाँ पे बाकी क्लासेस थी, यहाँ पे मेरे दोस्त वोस्त होते थे, पढ़ते थे एक साथ, अंदर बाथरूम है, टीचर्स का एक रूम है, और आगे आगे। अच्छा इसके ऊपर बिल्कुल सेम फ्लोर है, बिल्कुल जैसा ये फ्लोर है ना, इस तरह ये सेम फ्लोर है, ऊपर थ्री पर्पल एंड पर्पल, तो वो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का सेम कमरा है, वो म्यूजिक कमरा था, वहाँ पे जाके म्यूजिक क्लास होती थी, हमारे टीचर होता था बहुत मजे का, वो बड़ा जबरदस्त टीचर था, सर वसीम नाम था उनका, तो काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा, बिल्कुल सेम फ्लोर है, इसके ऊपर नहीं जाना ज़्यादा, क्योंकि ऊपर प्रिंसिपल अठा रहा है, वो डिस्टर्ब होगा, तो वो बिल्कुल सेम है। ये म्यूजिक रूम है, वो मेरी थ्री पर्पल अंदर वाली साइड पर क्लास थी, आगे चल। अच्छा तो ये अब दूसरा कॉरिडोर है जहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है, क्योंकि वो जितना पिछला एरिया था वो सारा प्राइमरी एरिया था, अब आई थिंक अब फोर्थ क्लास आएगी आपका, ये आएगा स्टाफ रूम है टीचर्स का, ये काफ़ी सेट कर दिया हमारे वक्त में, इतना सेट नहीं, लेकिन अभी सेट हो गया, आगे आते हैं चलो। सबसे पहली क्लास जो थी ना मेरी, वो थी ये तो नहीं है तो टीचर्स का रूम, टीचर का कुछ कोऑर्डिनेटर का रूम होता था, एक कोऑर्डिनेटर था जो क्लासेस। ये क्लास फोर थी मेरी, यहाँ मैंने क्लास फोर पढ़ा था मैडम रविया के अंदर, और टीचर थी हमारी काफ़ी ज़बरदस्त, अभी blue. भी
अभी फाइव लोगों के तब फोर पर्पल, तीनों ने सबके नाम बदल दिए हैं। फाइव क्लास बताता हूँ आप लोग की, फिर कलर्स के रिलेटेड फाइव फोर पर्पल थी, फिर फाइव पर्पल थी मेरी, फिर सिक्स ग्रीन थी, सेवन पर्पल ग्रीन पता नहीं कौन सी थी। उम्मीद है आप लोग को आज का जी लॉग पसंद आ रहा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर दें ज़रूर, क्योंकि वो फिर लाजमी बन जाते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज आते हैं। तो आई थिंक तो ये मेरी फाइव पर्पल थी, हाँ ये फाइव पर्पल थी तब। वो पानी वानी का सिस्टम सब बेस्ट है सीन में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप पानी वानी का ऊपर था ग्राउंड का वो देख सकते हैं। यहाँ अभी आज हम क्रिकेट खेलेंगे ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पे मैच होने वाला है, सब लोग रस्ते में आ रहे हैं और सब देख रहे हैं। आप वो ऊपर अगर दिखा नज़र आ सके वहाँ पे, आई थिंक वो बैडमिंटन का कोर्ट होता था सबसे ऊपर, हाँ, जो है बैडमिंटन, वो बैडमिंटन का कोर्ट होता था। अच्छा तो टीचर्स के रखे हैं धूप में बैठ के बाद, और आई थिंक ये अभी पेपर घुस रहे हैं तो तब ये बाहर पड़ी हुई है ना भाई, हाँ पेपर बाहर। मेरी लास्ट वाली थी, आपकी वाली थी, मेरी लास्ट वाली थी, और आई गेस 6 थी, 6 मेरी 6 ग्रीन थी, आई फॉरगॉट, हां मेरे ख्याल से 6 पर्पल ही थी मेरी, 6 ग्रीन थी और ये साथ 6 पर्पल है, अभी 7 पर्पल और 7 ब्लू, अभी इन्होंने क्लासेस के रेट चेंज किया, 7 हमारी ऊपर थी, फिर अभी एक और स्टेप चढ़ेंगे तो 7 का भी जाएंगे, 7 थी अब मेरे ख्याल से 8 उधर कर दी है, लेकिन लेट्स सी। खामोश एरिया बताने वाला हूं, आए बिल्कुल खामोशी से देखेंगे। अच्छा ये मेरी क्लास 7 थी, क्लास 7 ग्रीन अभी भी है, अभी भी 7 ग्रीन है, 7 और आगे जाके वो बता दे लाइब्रेरी का, बता दो आगे जाके 8 पर्पल है वो, आगे लाइब्रेरी से इससे आगे लाइब्रेरी है ये आपकी, ये मेरी 8, ये भी मेरी 8 पर्पल, सॉरी। अच्छा क्लास ऊपर अशिफ्ट हो सामने एक और कोऑर्डिनेटर का, कोऑर्डिनेटर कम बचा, ये जो प्रिंसिपल अभी हैं वो करंट जब मेरे वक्त में इधर होते थे तब, और ये आपकी लाइब्रेरी है जो क्योंकि अभी बंद है, ताला लगा हुआ है, इन पे ताला लगा हुआ है, और ये भी मेरी क्लास है, भी 8 पर्पल। रेगुलरली वॉश योर हैंड्स बाथ आफ्टर स्कूल, If you feel sick during school hours, please report it to the teacher immediately. SOBs follow करने हैं हर किसी ने। Stop coronavirus and wash your hands. Okay, तो अभी हम एक और खामोश एरिया पे जा रहे हैं, पिछला एरिया। ये सारी इतना बड़ा कॉरिडोर था, आवाज भी आप लोग आवाज से नजर लोगों की आवाज गूंज रही है यहाँ पे जबरदस्त। यहाँ एक कूलर होता था जब बहुत ठंडा पानी देता था, वो हटा दिया कूलर ने, वो हटा दिया, और ये आपका ऊपर से प्ले एरिया जहाँ पे आज हम मोहम्मद को लेके आएंगे कि वो यहाँ पे आके खेल सके। स्लाइड्स आप लोग देख सकते हैं, नीचे से भी दिखा देंगे वापसी पे। वो हमारा एक छोटा सा जू होता था, वो अब तो खत्म कर दिए, लेकिन परिंदे शरिंदे बीच में। अच्छा ये दोबारा इन्होंने बनाया था, हाँ मुझे भूल गया था सॉरी, ये बड़ा सा इन्होंने एक अजीब सा जंगला बनाया था, और ये लाइट्स भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है। ये है आपकी एक बड़ी स्लाइड, छोटी स्लाइड, उससे छोटी स्लाइड, और वहाँ पे कुछ झूले। अच्छा ये आई थिंक कौन सी क्लास है, 8 इधर आ गई, इधर सारी 7 थी ना पहले, मेरी 8 ये भी थी, मैं 2 8 पढ़ा था सेक्शन, उसके बाद चेंज हो गए थे, तो ये भी 8 मैंने पढ़ा हुआ है। ये साइड से एरिया, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं, अभी इधर आएगी कंप्यूटर लैब, ये भी लैब सर मुश्ताक द ग्रेट, सर मुश्ताक द ग्रेट, ये भी कंप्यूटर लैब इनकी फॉलो हुआ है, सब कंप्यूटर रूम ही है, हाँ कंप्यूटर रूम ही है। और अभी फिर आप अंधेरा सोच रहे हैं कि भाई वापस है, ये बता रहे यहाँ सीढ़ियाँ पॉज करके डिसीजन करते हैं। अच्छा मेरी कुछ गलत शर्त की वजह से मेरा मास्क टूट गया था, और अभी मुझे मास्क के बगैर गुजरना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर पहले ये मैसो की बात कर रहे थे कि मेरा मास्क फट गया, मैं क्या कर सकता। ये सीढ़ियाँ यहाँ से उतरते थे, अभी हमने आज तक पता नहीं चले कि यहाँ से क्यों घूमते हैं भाई। कुछ बीच में क्या जाना है, आज तक पता नहीं चला कि ये क्या है, पानी का नलका है, ये पीछे बड़ी कैंटीन। अनवर मकसूद साहब क्या कह रहे हैं, अनवर मकसूद साहब कहते हैं पड़ोसी के बच्चों की भूख और फाके से अनजान रहना, और उसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना,
हमारे माशरे का बेहतरीन मशगला है। समोसे और चिप्स और सब सामान। ये एक भाई नीचे से व्यू दिखा दे, सफान मेरे सामने बना रहे। ये आपका वही प्ले एरिया, वो आपका हल्का सा ज़ू चलता था, अभी चलता, जिसमें कुछ चरिंद परिंद आराम कर रहे हैं और हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो ये जीरो दरअसल स्कूल के ऊपर, स्कूल बता दिया मैच के, आप मैच दिक्कत क्या करेंगे, आप लोग देखते लाइव देख लिया करें। अच्छा थोड़ा सा क्लिप बता दूंगा एंड में कि मैं बॉलिंग कराते हुए, तो बस नहीं क्या? अगर इसका अच्छा, अगर ये ज़ीलॉग जो है अच्छा हुआ तो हम मैच का अलग ज़ीलॉग डालेंगे, मैच का अलग ज़ीलॉग बनाएंगे। अगर इस ज़ीलॉग पे अच्छे व्यूज़ आ गए, अच्छे सब्सक्राइबर मुझे मिल गए, वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ गए, उसका ये मसला है, उसका ये हल है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बस दोस्तों से शेयर करें। ऑडिटोरियम की तरफ चलते हैं, ऑडिटोरियम दिखाते हैं, फिर भाई का एक दोस्त आ चुका है जिसको अपने बाहर रिसीव करना उसके तरफ जाते हैं। वो दोबारा कॉल करेगा अभी। ऑडिटोरियम का पिछला हिस्से से दिखाएं कैसे हिस्से, चलो पिछले की क्या ज़रूरत है, आगे जाते हैं। पिछले उसमें बस वॉशरूम ही है। हाँ वॉशरूम क्या दिखाई करना है, ये भी एक टनल सी गैलो हुआ क्या कहते हैं, गुजरने की जगह, गुजरने की जगह ये बहुत जबरदस्त। यहाँ से हमारा ऑडिटोरियम वो सामने खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ आगे अंदर। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ से ऑडिटोरियम शुरू होता है। हाँ तो वो वहाँ तक ऑडिटोरियम की दुकान है। ठीक है, मुंह पे सही रोशनी आ रही है, अब जो बात करनी है करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जरूर लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, और कुछ लोग आ चुके हैं हमारे पीछे बिल्कुल। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, अगर ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो हम अलग वीडियो बनाएंगे मैच पे। सफू भी आ गया है, सफू लोगों को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते, सब कुछ कर देखा, सब्सक्राइब कर शेयर कर लाइक करो कमेंट कर।